हे गाइस, दिस इज आयुष बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रीमियर रश यूज़ करना सिखाने वाला हूँ, जो कि अडोबी का एक एडिटिंग ऐप है, विच इज़ अवेलेबल ऑन iOS, एंड्रॉयड, विंडोज एंड इवन मैक। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको अडोबी प्रीमियर प्रो के एडवांस्ड फीचर्स नहीं चाहिए थे, इसलिए अडोबी ने एक फ्री सॉफ्टवेयर निकाला है। इसका पेड वर्जन भी है, बट आज के इस वीडियो के अंदर हम इसके फ्री सॉफ्टवेयर के जितने भी फ्री वर्जन के जितने भी फीचर्स हैं उनको समझने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, दिस इज अ ग्रेट प्लेस फॉर यू। इस वीडियो के अंदर आपको ठीक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वीडियो एडिटिंग एज अ कॉन्सेप्ट होता क्या है और कैसे आप अपनी एक वीडियो एडिट कर सकते हैं यूजिंग प्रीमियर रश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स लाते रहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये एप्लीकेशन अपने आईपैड में यूज कर रहा हूँ। सो वंस यू ओपन द एप्लीकेशन, तुम्हें एक ऐसा विंडो, ब्लैंक विंडो मिलेगा जहाँ पे तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाना है। नाउ दिस विल बी योर प्रोजेक्ट फाइल, जिसके अंदर तुम जो भी चेंजेस करोगे वो सब इसी फाइल के अंदर सेव होने वाले हैं। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे करके तुम्हें कुछ ऐसा सा एक इंटरफेस मिल जाएगा और यहाँ पे जाके तुम्हें अपनी फाइल्स इंपोर्ट करनी है। अभी क्या फाइल्स है तुम्हारी? तुम्हारी वीडियो फाइल्स हैं, फोटो फाइल्स हैं, तुम्हारा म्यूज़िक है, जो भी तुम्हें अपने वीडियो के अंदर डालना है वो सारी की सारी फाइल्स तुम यहाँ से सेलेक्ट करोगे। जैसी तुम सेलेक्ट करोगे फाइल्स, वो एक नंबर में अरेंज होती जाएंगी और इसी नंबर में, इसी अरेंजमेंट में वो तुम्हारे टाइमलाइन पे आएंगी। टाइमलाइन बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हम एडिट करते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे मैंने डीसेलेक्ट करना शुरू करा, वो नंबर्स फिर से गायब होने शुरू हो गए। अब मैं जिस ऑर्डर में अपनी वीडियो को अरेंज करना चाहता हूँ, उस ऑर्डर में उन क्लिप्स को सेलेक्ट कर लूँगा। और जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, आई क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। उस पर क्लिक करके वो मुझसे प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा अपने। मेरे प्रोजेक्ट का नाम अभी के लिए टेस्ट प्रोजेक्ट है, बट ये तुम्हारी वीडियो का नाम हो सकता है, ताकि बाद में अगर तुम्हें फिर से वो प्रोजेक्ट रिलीज़ करना हो या कुछ चेंजेस करने हो वीडियो को आउटपुट करने के बाद, तो वो कर सकते हो। वंस यू क्लिक नेक्स्ट, विल बी ब्रॉट टू दिस एरिया जहाँ पे तुम सारे साउंड ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे या तो तुम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग साउंड ट्रैक तुम्हारे फ़ोन के अंदर है वो इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा गाने हैं नहीं, बट बेसिक साउंड ट्रैक्स कुछ प्रीमियर रश भी ऑफर करता है, तो तुम वहाँ से भी साउंड ट्रैक्स इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही तुमने साउंड, फोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ उठा लिया है, वो तुम्हें इस इंटरफेस पर ले आएगा जहाँ पे तुम्हें अब जो नीचे वाला एरिया दिख रहा है उसको बोलते हैं टाइमलाइन। ऊपर वाला विंडो प्रीव्यू विंडो है, जहाँ पे बेसिकली तुम जहाँ पे भी जाओगे ऊपर तुम्हारा आ जाएगा। जहाँ पे भी तुम अपना मार्कर लेके जाओगे उसका जो प्रीव्यू है वो ऊपर प्रीव्यू विंडो पे आ जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमने क्लिप्स हैं जो सेलेक्ट करी थी वो उसी ऑर्डर में अरेंज हो के आई हैं जिस ऑर्डर में हमने उनको सेलेक्ट किया था। सो बेसिकली मैं आपको इंटरफेस समझाया, तो अपने टॉप लेफ्ट पे फिर से क्लिक करेंगे तो आपको फिर से, अगर आपको कुछ और वीडियोज़ या फोटोज़ ऐड करनी है तो वो कर सकते हो। उससे नीचे वाला बटन आपको प्रोजेक्ट में एग्जिस्टिंग जितनी भी फाइल्स हैं उनका एक ओवरव्यू दे देगा कि क्या क्या फाइल के अंदर है। जैसे आप प्ले बटन को क्लिक करेंगे, आप अपना देख सकते हैं कि आपने क्या क्या एडिट करा है, फिर जो भी ऑलरेडी टाइमलाइन पे है उसको फिर से प्रीव्यू कर सकते हैं। प्ले पॉज के राइट में एक बटन है जहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हैं, ये 16:9 जो कि यूट्यूब पे यूज़ होता है, या फिर 9:16 जो कि इंस्टाग्राम या IGTV पे यूज़ होता है, या फिर 4:5 जो कि अगेन इंस्टाग्राम का एक बहुत ही कॉमन आपका एस्पेक्ट रेशियो है, या फिर 1:1 जो कि अपना बेसिक स्क्वायर इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ और फोटोज़ देखते हैं। तो जैसे अपनी क्लिप्स अरेंज कर लें, उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि इस वीडियो का पर्पस क्या होने वाला है। सपोज ये वीडियो आपके यूट्यूब पे जाने वाली है, देन यू विल सेलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो 16:9। अगर आपके इंस्टाग्राम पे जाने वाली है तो या तो 4:5 या 1:1। अगर आपके IGTV पे जाने वाली है तो 9:16। तो कुछ ऐसे हम चूज करते हैं एस्पेक्ट रेशियो। तो अगर आप अपने जो फिंगर से इसको जूम करेंगे तो तुम अच्छे से देख सकते हो कि टाइमलाइन पे हो क्या रहा है। अगर तुम्हें बहुत माइनर चेंजेस करने हैं तो दैट्स हाउ यू डू इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक टूल्स। अपने लेफ्ट साइड पे देखोगे तो तुम्हें कुछ बटन दिख रहे हैं। हम पहले बटन पे क्लिक करेंगे जो कि एक रेजर या फिर कटिंग टूल है। इस कटिंग टूल को सेलेक्ट करके आप अपना मार्कर जहां पे भी होगा उस कटिंग टूल का दबाओगे तो वो जो क्लिप है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट और राइट, जैसा आप देख सकते हैं। तो अभी सपोज आपको कुछ एक्सेसिव पार्ट हटाना है अपनी वीडियो से या कुछ यूजलेस पार्ट हटाना है, तो आप ऐसे लेफ्ट राइट से, मतलब आगे पीछे से ट्रिम करके उसको डिलीट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव एन अंडू बटन ऊपर टॉप राइट में, तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो भी अपने चेंजेस करें हैं वो अंडू होते जाएंगे। एक बार आपकी जो क्लिप कट गई है, सो आप बेसिकली इन क्लिप्स को एज ब्लॉक्स देख सकते हो। जब आप उसको क्लिक करते हो तो एक येलो सा बाउंड्री बना आ जाता है। अगर आप इसको पकड़ के रखेंगे, होल्ड करेंगे अपने फिंगर से, तो आप मूव कर सकते हैं इस क्लिप की लोकेशन। सपोज आपको एक क्लिप है
उसका पहला पार्ट इंट्रो में डालना है, दूसरा पार्ट आगे डालना है, तो ऐसे। अगर आप इनको ऊपर लेके चले जाएंगे तो वो एक के ऊपर एक लेयर बन जाएगी। जो सबसे ऊपर लेयर होती है वो दिखती है आपको अपने प्रीव्यू विंडो पे, या फिर वो आपको मेन फाइनल वीडियो में दिखती है। तो इस केस में जैसे देख सकते हैं कि तीन लेयर के स्टेप्स बन गए, तो जो सबसे ऊपर है वो वाली क्लिप चलेगी आपके प्रीव्यू विंडो के अंदर। अब अगर आपको अपनी लेयर्स को ठीक से देखना है तो लेफ्ट साइड पे एक नीचे का ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है, अगर आप उसको क्लिक करोगे तो आपको एक डिटेल्ड व्यू मिल जाएगा कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें लेयर्स कैसे कैसे अरेंज है। सो बेसिकली जो ऊपर की तरफ एक डिस्टिंक्शन वो वीडियो लेयर का, जो नीचे की तरफ डिस्टिंक्शन है जो जहाँ से ग्रीन लेयर शुरू हो रही है वो ऑडियो का डिस्टिंक्शन है। सो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि आपकी कितनी लेयर्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं, कितना आपकी फाइल्स हैं, कितने आपकी ऑडियो विजुअल्स, कितने आपके एक प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे एक लॉक का बटन है। लॉक का मतलब होता है कि आप उस लेयर को लॉक कर दो। बेसिकली सपोज आपने अपनी बेस लेयर पे सारे चेंजेस कर दिए, अब आप चाहते हो कि आप जो भी चेंजेस करो उसका उस लेयर पर कुछ इफेक्ट ना हो। जैसे एक बार आपने बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर लिया तो उसके बाद आप उसको चेंज तो नहीं करते ना, तो आप उसको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद आप कितने भी चेंजेस करोगे वो उस लेयर पे इफेक्ट नहीं होंगे। उसके साइड में दो और बटन है, एक स्पीकर सा बना हुआ और एक आंख सी बनी हुई है। स्पीकर को क्लिक करोगे तो उस वीडियो की जो अपनी ऑडियो होगी, जैसे आप अपनी सपोज अपने आपको रिकॉर्ड कर रहे हो व्लॉग के अंदर एक, तो आपकी जो ऑडियो आ रही है उसको क्लिक करोगे तो ऑडियो म्यूट हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है उस माइक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड का बटन दिख जाएगा। वो आपसे माइक्रोफोन के परमिशन मांगेगा, उसको परमिशन दे देना। जैसे ही आप रिकॉर्ड का बटन दबाओगे एक रेड सा जो आपको दिख रहा है ये स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली नाउ इट इज़ रिकॉर्डिंग योर ऑडियो। तो आपको जहाँ जहाँ भी वॉइस ओवर डालना है आप इसके ज़रिए डाल सकते हैं। आप अपने ईयरफोन्स को कनेक्ट करके भी उसका माइक भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप इसको होल्ड करेंगे अगेन आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। और अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं फॉर नाउ। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि आप रेजर टूल से कट्स कर सकते हो, वैसे ही जैसे आपको येलो मार्कर्स दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट पे, उसको होल्ड और ड्रैग करके भी आप क्लिप को आगे और पीछे से छोटा कर सकते हो या फिर लंबा कर सकते हो, शॉर्टन कर सकते हो, लेंथन कर सकते हो। जैसे सपोज आपके पास बहुत सारी लेयर्स हो गई और आपको लग रहा है कि यार मुझे लेयर वाला जो एरिया बहुत छोटा है, तो साइड में इस इक्वल टू जैसे बटन को सेलेक्ट और होल्ड करके आप इसकी साइजिंग भी चेंज कर सकते हो। सपोज आपको प्रीव्यू विंडो अभी नहीं चाहिए, आपको नहीं देखना कि आपकी वीडियो में अभी क्या क्या हो रहा है, आपको भी अपनी टाइमलाइन पे काम करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब एक बार जरा राइट वाले कुछ वीडियो ऑप्शन पर देख लेते हैं। जैसे आप एक क्लिप सेलेक्ट करेंगे राइट वाले सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। तो जो नीचे से पहला ऑप्शन है वो है ट्रांसफॉर्म और क्रॉप और स्केल का। ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेसिकली वीडियो को साइज करना, वीडियो का साइज छोटा करना, उसको रोटेट करना, अगर वो लैंडस्केप है तो उसको पोर्ट्रेट बनाना। तो आपको तीन चार ऑप्शन मिलेंगे। जैसे हम स्केल पे मेंटेन प्रोपोर्शंस करके स्केल करेंगे तो सिमेट्रिकली स्केल होगा, मतलब उसका जो विड्थ और हाइट का रेशियो है साथ साथ बढ़ेगा। पर आप ऐसे अलग अलग भी चेंज कर सकते हैं उसको टिक मार्क हटा के, एंड यू कैन चेंज द साइज ऑफ द वीडियो। कुछ एडवांस मोड भी है, एडवांस मोड में बेसिकली क्रॉपिंग है। अगर आपको सपोज स्प्लिट स्क्रीन वीडियो बनाना है या फिर आपको थोड़ा सा ही पोर्शन दिखाना है एक वीडियो का, तो आप हर साइड से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर साइड से वो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप का एक फेदरिंग भी होता है। फेदरिंग इज बेसिकली कि जो आपकी साइड्स हैं वो रफ ना हो, वो ऐसे स्मूथ हो जाए। तो जितना आप फेदर बढ़ाओगे उतना ऐसे स्मूथनिंग होती जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो साइड से वो स्मूथ होते जा रही है अगर हम फेदर बढ़ाते जा रहे हैं। इसका कुछ और भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अगेन रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। सपोज एक के ऊपर एक वीडियो और आप चाहते हैं कि जो ओवरऑल वीडियो है वो 50% ओपेसिटी पे हो, मतलब ऐसे उसकी ट्रांसपेरेंसी जो वो 50% हो, उसके जो नीचे वाली वीडियो वो भी दिख रही हो जैसे हम देख रहे हैं अभी, तो आप दो वीडियोस को ऐसे एक के ऊपर एक लेयर करके वो भी कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको मान लीजिए रिएक्शन वीडियोज़ बनानी है तो उसमें आप छोटा सा नीचे वीडियो डाल के उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं ताकि ऐसे दोनों वीडियो साथ साथ चलें और यू नो नीचे वाली वीडियो हर वक्त दिखती भी रहे। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम प्रोजेक्ट में थोड़ा सा और फाइल्स इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे मैं आपको ऑडियो की प्रॉपर्टीज भी दिखा सकता हूँ साथ साथ। तो अगेन टॉप लेफ्ट पे जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको तीन चार फाइल के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने अभी मीडिया पे क्लिक करा है जो कि मुझे अपने एप्पल के फोटोज़ वाले फोल्डर में लेके चला जाएगा। और यहाँ पे जितनी भी क्लिप्स हैं वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। कुछ प्री एग्जिस्टिंग क्लिप्स भी देता है जो प्रीमियर रश है ताकि आप वीडियो एडिटिंग प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपके पास अभी अपनी क्लिप्स नहीं है तो उनमें से एक जो क्लिप है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली जो नीचे से दूसरा ऑप्शन है राइट पे वो है ऑडियो का ऑप्शन। इस ऑडियो के ऑप्शन पे आपके तीन चार बेसिक ऑप्शन थे, उनको मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ जिससे आपको अपनी ऑडियो जो है वो एनहांस करने का मौका मिल जाएगा। सो जितने भी एडवांस फीचर हैं वो भी पेड है तो उन पर फोकस नहीं करेंगे, बट जो ऑडियो के बेसिक फीचर हैं आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, उस क्लिप को म्यूट कर सकते हैं।
वॉल्यूम चेंज करना कब हेल्प करता है, सपोज अगेन इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग अ व्लॉग और किसी भी तरीके का वीडियो, और अगर आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक डालना है तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ यूजली कम होती है, जैसे 10-20% होती है एज कम्पेयर टू जो आपको नॉर्मल बोलने की आवाज़ है। सो बेसिकली यहाँ पे आप अपना जो एक लेयर पे रखिए अपनी आवाज़, और उसके जो नीचे लेयर है उस पर बैकग्राउंड म्यूज़िक रखिए, और उस बैकग्राउंड म्यूज़िक की जो क्लिप वॉल्यूम है उसको कम कर दीजिए। सो यहाँ पे ये वाला फीचर काम आ सकता है। एंड इफ़ यू परचेज प्रीमियर रश तो आप एडवांस फीचर भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं कभी और बनाऊंगा, बट दिस इज़ जस्ट फॉर द फ्री वर्जन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, बेसिकली ये फिल्टर्स हैं, प्रीसेट्स बोलते हैं इनको, लट्स बोलते हैं वीडियो के लैंग्वेज में, पर इनको बेसिकली इंस्टाग्राम फिल्टर्स की तरह समझो कि तुम अपनी वीडियो के ऊपर फिल्टर लगा रहे हो। कहीं सारे अवेलेबल हैं फ्री वर्जन के अंदर जो तुम ट्राई कर सकते हो। बेसिकली अगर तुम 100% इंटेंसिटी पे लगाओगे तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं कभी कभी, और जो फिल्टर अच्छा लगना भी हो सकता है वो लगता नहीं है। सो सब ट्राई करो, और उसके बाद ऐसे थोड़ा इंटेंसिटी के साथ खेल के देखना कि तुम्हारी क्लिप के साथ क्या सूट कर रहा है। उसके साथ प्रीमियर रश कुछ बेसिक एडिटिंग फीचर्स भी देते हैं जो कि तुम्हें एक्सपोजर, शेडोज, हाइलाइट्स, इन सब चीज़ों से खेलने का जो है एक्सपेरिमेंट करने का मौका देते हैं। सो इफ़ यू हैव अ वेरी पुअरली लिट वीडियो तो तुम उसका एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, तुम उसकी शेडोज में जितनी भी डिटेलिंग है वो बढ़ा सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, टेंट चेंज कर सकते हो, वाइब्रेंस, सैचुरेशन। इसको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा कि हर कंट्रोल एग्जैक्टली क्या करता है, बट बेसिकली तुम्हें एक्सपोजर, शेडोज, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, और तुम जितना एक्सपेरिमेंट करोगे इसके साथ उतना तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। एडवांस फीचर्स खोलोगे तो तुम्हें एक चीज़ मिलेगी, विनेट। विनेट बेसिकली क्या होता है कि तुमने बहुत वीडियोस में देखा होगा कैसे कॉर्नर्स पे थोड़ा ब्लैक्ड आउट होता है, वो तब यूज़ होता है जब तुम्हें ऐसे जो बीच में कुछ तुम्हारा ऑब्जेक्ट पड़ा है उस पर फोकस डालना होता है। तो वंस यू डिक्रीज द अमाउंट तो उतना ब्लैक होता है, और जितना तुम अमाउंट बढ़ाते हो उतना वाइट होना शुरू हो जाता है, मतलब उतना ब्राइट होना शुरू हो जाता है। सो जैसे अभी के लिए हम जो विनेटिंग है वो ब्लैक की तरफ रखेंगे, जिससे कि हमारा जो फोकस है वो बीच वाले ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा जो कि एक बाइक है इस केस में। अगर तुम अपनी जो सेटिंग्स है जितनी भी तुमने एडिटिंग सेटिंग्स करी हो बहुत पसंद आई है तो तुम अपना प्रीसेट सेव भी कर सकते हो। ऊपर जो तीन डॉट्स उन पर क्लिक करके यू कैन जस्ट सिंपली सेव योर प्रीसेट, नाम दे दो इसको। सपोज तुम एक टाइप की क्लिप हमेशा अरेंज करते हो, या फिर तुम्हारे घर पे एक सेटअप है जहाँ पे बैठ के तुम हमेशा वीडियोज रिकॉर्ड करते हो, तो उस पर जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सेम ही अप्लाई होंगी बार बार। तो यू कैन जस्ट अप्लाई ऑल दो सेटिंग्स विद अ क्लिक ऑफ अ बटन इफ़ यू सेट अ प्रीसेट। जो तुम्हारा प्रीसेट है वो तुम्हारे इन फिल्टर्स के साथ आ जाएगा जो बिल्ट इन प्रीसेट्स के जस्ट नीचे। प्रीसेट्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ट्रांजिशंस का। ट्रांजिशंस बेसिकली वो होती हैं जो एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जाने में जो एनिमेशन होती है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो अभी हम इन दोनों क्लिप्स में ट्रांजिशन अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। ट्रांजिशन लगाने का फंडा बहुत सिंपल है, जो वीडियो साथ साथ में हो उसको ड्रैग करके बीच में छोड़ दो, वो ट्रांजिशन लग जाएगी। अगर तुम उसको जूम करके देखोगे तो वो तुम्हें ट्रांजिशन देख भी जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक है, ड्यूरेशन क्या है उस ट्रांजिशन का। अभी प्रीमियर में बहुत सारी ट्रांजिशन अवेलेबल नहीं है, बट आई रियली होप कि वो आगे वाले अपडेट्स में डाल दें। अभी के लिए तुम्हारे पास क्रॉस डिजॉल्व, डिप टू ब्लैक और डिप टू वाइट है जो कि बेसिक सेट ऑफ ट्रांजिशंस होते हैं, बट आई थिंक दीज आर गुड इनफ फॉर बेसिक एडिट्स। आई मीन आई यूज़ क्रॉस डिजॉल्व ऑल द टाइम, सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल ट्रांजिशन यही है। ये सेम ट्रांजिशंस तुम अपने ऑडियो पे भी अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली क्रॉस डिजॉल्व एज एन ऑडियो ही हो गया कि वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर दो ऑडियो उसमें क्रॉस डिजॉल्व होगा तो वो ऑडियो मिक्स हो जाएंगी, वो ऐसे एकदम एब्रप्ट कट नहीं होगा। बट या मूविंग ऑन टू द टाइटल्स टैब जो उसके एकदम ऊपर वाला है। टाइटल्स टैब बेसिकली जो तुम टाइटल देखते हो शुरू में कि वीडियो किस बारे में है वो डाल सकते हो। बहुत सारे अमेजिंग टाइटल्स हैं, आई थिंक जो टाइटल का कलेक्शन है वो काफ़ी ह्यूज है, और बहुत सारे प्रीसेट्स तुम्हें ऑनलाइन मिल भी जाएंगे अगर तुम गूगल करोगे इस प्रीमियर रश के लिए। बहुत लोगों ने डिज़ाइंस बना रखे होते हैं, टेम्पलेट्स बना रखे होते हैं। जैसे तुम एक डिज़ाइन चूज़ कर लो उस पर एडिट पर जाओगे तो तुम्हारे पास कहीं सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यू कैन चेंज एनी थिंग फ्रॉम द फॉन्ट टू द साइज टू द कलर टू ऑब्वियसली वॉट एवर इज रिटन ऑन द टाइटल। तो एडिट को सेलेक्ट करके तुम स्क्रीन पे क्लिक करके पहले तो अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। तो जो भी तुम्हारी वीडियो का टाइटल है उसको लिख दो, जैसे अभी मैंने अपना नाम लिख दिया इसके अंदर। उस नाम को होल्ड करके स्वाइप करके सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर फॉन्ट पे जाके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है इसके अंदर, सो यू वोंट बी आउट ऑफ ऑप्शन। वंस यू आर डन विद द फॉन्ट, फॉन्ट में बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं। हर फॉन्ट का एक रेगुलर होता है, एक बेसिक होता है, कुछ मीडियम साइज होता है, कुछ बोल्ड होता है, कुछ ब्लैक साइज होता है, ब्लैक सबसे मोटा होता है बाय द वे।
सो वो जो फॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट हो जाए देन यू कैन सेलेक्ट द कलर. सो कलर्स इस टाइटल में दो के हैं, जो एक साइड में तुम्हें एक वर्टिकल सा डंडा दिख रहा है एंड देन द नेम. सो नीचे शेप में जाके, शेप इज बेसिकली दैट वर्टिकल डंडा, उस पर जाके उसका तुम ह्यू सेलेक्ट कर सकते हो, उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हो. सो जितने भी कंट्रोल्स हैं कलर के वो तुम्हारे पास सब अवेलेबल रहते हैं. और अगर तुम्हें ये टाइटल नहीं पसंद आया देन यू कैन ऑल्सो चूज मोर टाइटल्स. आई री लाइक दिस फॉलोअर्स टाइटल बिकॉज ये जितनी वीडियोज होती हैं उसमें तुम्हें लोगों को कॉल आउट देना होता है कि यार हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल फॉलो कर लो, तो वहाँ पे तुम्हें डाल सकते हो. बाय द वे इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हमारे लिए हम लाते रहते हैं. एक और बहुत जो सही चीज़ लगती है मुझे उसमें कॉल आउट्स है. बेसिकली अगर तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है किसी चीज़ को, दिखाने कि यार ये चीज़ ये है, एजुकेशनल वीडियोस में काफ़ी काम आ सकते हैं, तो एक कॉल आउट्स भी तुम लगा सकते हो अपनी वीडियो के अंदर. और जो भी तुम्हें लिखना है छोटे 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 बाइट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उनको तुम यहाँ पर डाल के पॉइंट कर सकते हो. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स हैं एंड आई फील कि क्योंकि और भी तुम ग्राफिक्स डाउनलोड कर सकते हो बाद में, सो इट रियली गिव्स यू अ लॉट ऑफ रूम टू एक्सप्लोर. ऊपर तुम्हें एडिट के साथ टॉप लेफ्ट पे एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा, उस शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही तुम्हें ये वाला इंटरफेस दिख जाएगा जहाँ तुम्हारी वीडियो रेंडर होनी शुरू हो जाएगी. रेंडर का मतलब कुछ नहीं होता, बेसिकली रेंडरिंग का मतलब होता है वीडियो को कंपाइल करना, उसको जोड़ना. तुम्हारे पास थोड़ा सा अगर पुराना फोन है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट वंस द रेंडरिंग इज डन तुम्हारी वीडियो तुम्हारे फोटोज में सेव हो जाएगी. ये तुम्हें ऐसे दो ऑप्शन देता है, एक्सपोर्टेड 4K एंड एक्सपोर्टेड 1080p, बट एक्सपोर्टेड 4K फिलहाल के लिए पेड वर्जन में है. 1080p पे तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो, 1080p एक फुल HD फॉर्मेट है विच इज़ गुड इनफ फॉर यूट्यूब. एंड वंस यू डू दैट तुम्हारा फोटो फाइल तुम्हारे फोटोज ऐप में तुम्हें मिल जाएगा एंड देन यू कैन अपलोड इट ऑन यूट्यूब. हे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो और आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीखे. और अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो या फिर इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर ट्यूटोरियल्स लाइक दिस. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन माय DM. दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.